अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज घरौंडा टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस ठंड के मौसम में किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, परंतु सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन के चलते किसानों की बात न मानकर उनको कड़कड़ाती हुई ठंड में बैठने को मजबूर कर रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की महापंचायत करते हैं, परंतु उसमें किसानों को आने नहीं देते और किसानों से बातचीत करने के लिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। ये एक शोचनीय विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते हुए किसानों पर काले कानून थोपते हुए उनको जबरदस्ती समझाने का काम कर रहे हैं। वह भी गांव को छावनी में बदलकर, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा, जननायक जनता पार्टी के विधायक एवं आजाद विधायक अपने आप ही सरकार के खिलाफ आ चुके हैं, क्योंकि विधायक जान चुके हैं कि ये कानून किसानों के विरोध में है। उन्होंने कहा, जननायक जनता पार्टी को प्रदेश के लोगों ने 10 सीटें दी, परंतु वह प्रदेश की जनता के हित में कोई कार्य नहीं कर पाई, क्योंकि ये सीटें तो उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिली थी, परंतु बाद में जन समर्थन का अपमान करते हुए जजपा भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूरन राजभवन का घेराव करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्यपाल से बार बार समय मांगने के बाद भी पार्टी को समय नहीं मिल रहा, इसलिए 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर राजभवन का घेराव करेगी। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उस समय कभी कोई खाली जगह नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता। मैडम, किसानों ने कहा संविधान के हिसाब से जो स्थिति में कदम उठाने चाहिए वो स्थिति उस समय डिक्टेट करती। मैडम, किसानों ने कहा है कि जो भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के, यदि उनके समर्थक हैं तो इस्तीफा दे के बीच में है अपने पदों से इस्तीफा दे। सब जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, जिसका जो जैसे मन करता है सब जा रहे हैं। किसानों के बीच में मूल रूप से देखो, हम हरियाणा के लोग मूल रूप से किसान या कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो किसान और कृषि और ये धरती, हम सभी यहाँ के पैदा हुए हैं, इस धरती के साथ धोखा नहीं करना चाहिए किसी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जननी के साथ धोखा कर रहा है। एक आखिरी सवाल, इस्तीफे को किस प्रकार से देखते हैं? हां जी, अभय चौटाला के इस्तीफे को किस प्रकार से देखिए? वो अपनी पार्टी के हेड हैं, जो उनको राजनीतिक रूप से जो बात ठीक लगती है उन्होंने किया, लेकिन जो इस्तीफा होता है वो तो उसको देने की प्रक्रिया एक। मैम, एक आखिरी सवाल, जब चुनाव हुए थे तब दुष्यंत चौटाला किसानों के नाम पर आए थे, और फिलहाल आज जो है एक रोष देखने को मिल रहा है किसानों में, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय इन्होंने वोट मांगे थे इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के नाम, और हरियाणा के लोगों ने 10 सीटें भी उन्हें दी, एकदम नई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.